सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर वीडियो. दिस इज आयुष एंड आज मेरे साथ में महिंद्रा की XUV700 डीजल ऑटोमेटिक एंड ये इक्विप्ड है विद द ऑल न्यू फंक्शन, या बोल सकते हैं ऑल न्यू तो नहीं, इस सेगमेंट के लिए ऑल न्यू है एडास फंक्शन. तो एडास तो मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में डेप्थ में बताऊंगा, आज फिलहाल के लिए एक शॉर्ट ओवरव्यू आप लोगों को देता हूं, जो कि लेन कीप असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो कैसे काम करते हैं. लाइक आपको एक सर्टन लिमिट पे आप जो है इसको सेट कर सकते हैं क्रूज कंट्रोल के साथ में, देन जो है आपकी स्टीयरिंग पे से भी आप थोड़ी देर के लिए हाथ हटा सकते हैं. और ये चीज मैं आपको डेमो देके दिखाने वाला हूं कि ये कितना ज्यादा सक्सेसफुल है इंडियन कंडीशन में. तो ट्रैफिक में भी चलेंगे, हाईवे में भी चलेंगे और फिर जो है आप लोगों को कंक्लूजन लाइव दिखते जाएगा कि कहां कहां पर मुझे वापस से मैनेज करना पड़ रहा है और कितना खुद गाड़ी मैनेज कर लेती है. तो ये फीचर कितना ज्यादा हेल्पफुल है आज यही पता चलने वाला है. तो चलिए टेस्ट करते हैं. तो चलिए अब आ गया है हाईवे. सिटी में कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों को बता दूं, वहाँ पर जो इसका लाइक ब्रेकिंग जो फ्रंट कॉलिजन वार्निंग है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है आप लोगों के लिए. मास्क हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से आवाज़ आ जाए. तो वो रियलिटी में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है. आगे आपको कोई भी कार आती है तो यहाँ पर बता देता है कि कोलिजन के चांसेस हैं और खुद से ब्रेकिंग जो है वो भी करता है. अभी अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये स्ट्रीट हाईवे है तो इसका जो लाइक ये लेन कीप असिस्ट फंक्शन है, लाइक अगर सपोज क्या होता है कि अगर आपके जो रोड है उसके ऊपर ये वाइट कलर की लाइंस बनी हुई हैं तो आपको अगर स्टेयरिंग पे से एक दो सेकंड के लिए, दस सेकंड के लिए हाथ हटता है तो आपकी जो स्टेयरिंग है ये खुद से मैनेज जो है वो होने लग जाती है. लाइक अगर आपकी गाड़ी राइट साइड में जा रही है तो ये मैनेज करके वापस से इधर कर लेगा, उधर जा रही है तो इधर कर लेगा. आपको वार्निंग जो है वो देता रहेगा कि आपकी गाड़ी जो है वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, लेन जो है वो चेंज कर रही है. तो आपका हाथ जो है आप स्टीयरिंग के ऊपर रख लो. अभी मैंने हाथ हटाया हुआ है और सेफ इन्वायरमेंट में चल रहा हूँ, इस वजह से आप लोगों को ये डेमो दे के बता रहा हूँ. और ये भी देख लेते हैं कि जिस टाइम से मैंने हाथ हटाया है उसके बाद में कितनी देर तक जो है ये सिस्टम जो है वो काम करता है. अराउंड 80-85 की स्पीड के आसपास जो है अपन अभी क्रूज़ कर रहे हैं. उसके बाद में अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो कैसे काम करता है वो भी अपन आगे देखने वाले हैं. तो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है. अभी ये टर्न आ रहा है आगे, तो टर्न पे देखते हैं कि टर्न पे काम करता है या नहीं करता है. तो ये देखो टर्न पे भी काम कर रहा है और कार जो है ऑटोमेटिकली टर्न हो रही है. अभी ब्रेक लगाता है कि नहीं देखते हैं. ये देखो वार्निंग आ गई थी प्रॉपरली, एक दो बार इसने ब्रेक लगाया और जैसे ही मैंने अपना पैर लगा लिया वहाँ पर तो ऑटोमेटिकली जो है इसने मेरे ऊपर छोड़ दिया कि अब आप कार को खुद से संभाल लो, अदरवाइज जो है ये खुद से कर लेता. अब एक इसमें इशू ये आता है कि सपोज़ अगर आप हाथ से ऐसे करने की कोशिश करते हैं तो ये स्टीयरिंग को जो है उधर लेके जाने की कोशिश करता है कि आप उसी लेन में बने रहे, तो वहाँ पर आपको हल्का सा जो है वो रहेगा थोड़ा सा. वैसे बाद में तो थोड़ा चला लोगे तो आदत पड़ जाएगी, बाकी एक दो बार ऐसा लगेगा कि यार मेरे को उधर जाना है तो आप ऐसा लाइक ये कार जो है वो फोर्स कर रही है आपको कि नहीं आप जो जिस लेन्स में आप चल रहे हो उधर ही आप बने रहें. लाइक ये अभी जैसे मैंने इधर ली तो स्टीयरिंग पे थोड़ा सा जोर था कि आप जो है सेम सेंटर लेन में ही बने रहें या जिस भी लेन में आप चल रहे हैं, तो वो चीज़ें. तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये काम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी ये फीचर है. बट इसके ऊपर आपको रिलाई नहीं होना है कि हाँ आप आराम से ऐसे बैठ गए और कार जो है वो खुद से चलती जाएगी. अब वो भी एक बार करके देख लेते हैं. यहाँ पर मैं क्रूज़ कंट्रोल जो है अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल वो एक्टिवेट कर देता हूँ. 90 की स्पीड पे मैंने एक्टिवेट कर दिया है. अभी मैंने जिसे एक्टिवेट करा है पैर भी हटा लिए हैं और स्टीयरिंग से हाथ जो है वो भी हटा लिया है. बस मैं यहाँ पर रखता हूँ कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर मेरे को पकड़ने की ज़रूरत पड़े तो मैं स्टीयरिंग को ऑटोमेटिकली हाथों हाथ ग्रेप कर लूँगा. तो अभी तो कार स्ट्रेट चल रही है तो कोई परेशानी जो है वो नहीं है और कार को भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़रूरत है कि मैं कार को हाथ लगाऊं या स्टीयरिंग जो है वो पकड़ूं. तो प्रॉपर तरीके से सीधे चलते जा रही है तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है. ये तब मुझे वार्निंग देगी जब इसको लगेगा कि बहुत देर हो गई है, कार इधर उधर जा रही है और मैं हाथ नहीं लगा रहा हूं. ये देखो कीप हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील, पता चल गया इसको. बिकॉज सिर्फ एक जैसा ऐसा पकड़ के तो कोई भी चलाता नहीं है ना, थोड़ा बहुत तो मूवमेंट जो है वो हाथ से आता ही आता है स्टीयरिंग में. तो एक बार इसने वार्निंग अभी मुझे दे दी है, अपन कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं. कीप हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील, अब ये येलो कलर का साइन आ गया है. ठीक है, तो अब एक बार और देखते हैं कि कितनी देर बाद में ये लेवल जो है अपना ये काम करने का फंक्शन जो है वो इसका डीएक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली. कंटिन्यूसली बीप आ रही है, आपको सुनाई में आ रही होगी. तो ये कंटिन्यूसली काम करते जा रहा है. ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के आसपास जो है, 1-2 किलोमीटर के आसपास चला है. स्मार्ट पायलट ऑफ, ठीक है. तो अब ये खुद से आ गया है और क्रूज़ कंट्रोल जो है वो भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया था. मैं वापस से क्रूज़ कंट्रोल को 90 की स्पीड पे सेट कर देता हूँ
ओके मैंने सेट कर दिया। थोड़ा सा एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, कार के पास में ले जाके मैं आपको बता देता हूँ कि जब कार आपके आगे कोई चल रही होती है तो वहाँ पर ये क्रूज़ कंट्रोल जो है वो कैसे काम करता है, कैसे कार को रोकता है, किस स्पीड पे जो है ये काम करता है। अभी 120 की स्पीड, इससे ऊपर तो जा नहीं सकते हैं, कम कर देते हैं, 118 ही कर लेते हैं। 118 की स्पीड पे मैंने क्रूज़ कंट्रोल सेट करा है और आगे वाली कार जो है वो स्लो चल रही है, तो खुद से ये जो स्पीड है इसकी, इसने कम कर ली है। और जैसे ही वो कार मेरे सामने से हटेगी तो ये खुद से वापस से 118 की स्पीड पे जाके और खुद से ऑटोमेटिक चलने लग जाएगी। हाँ, स्टेयरिंग जो है वो ये बार बार साइन दे रहा है कि स्टेयरिंग पे आप हाथ लगाओ, स्टेयरिंग पे आप हाथ लगाओ, जो कि मैं नहीं लगा रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए डेमो। तो ये चीज़ कितनी अच्छी फील होती है, लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हाईवे पे, जहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि मोस्टली आप पानी पी रहे होते हैं, आपका ध्यान कहीं इधर या उधर हो जाता है, आप इधर ध्यान दे रहे होते हैं तो आपकी कार 10-15 सेकंड तक तो एटलीस्ट आपको एक लेन में रख सकती है। बट ये सारी चीज़ें तब काम करेगी जब ये वाइट मार्किंग जो है वो होनी चाहिए आप जिस रोड पर कार चला रहे हैं वहाँ पर। ओके, ये बीप आ रही है, तो अगेन मैंने इस बीप को बंद करने के लिए 1 सेकंड के लिए हाथ लगाया और वापस से हाथ हटा लिया। तो टेस्ला वाली फील जो है वो आ रही है, सस्ती टेस्ला जो है वो अपन बोल सकते हैं। वो उस कार ने, वाइट वाली कार ने स्पीड स्लो करी, इस लेन में वो चल रही है तो स्पीड मेरी और ज़्यादा कम हो गई है। अगर सपोज मेरे को स्पीड बढ़ानी है तो मेरे को कुछ नहीं करना है, रेस में नहीं दे रहा हूँ, दोनों पैर मेरे यहीं हैं, लेट्स सी। हाँ, उधर कोई नहीं है, मैंने प्रॉपर तरीके से देख लिया। ये देखो, अब वापस से इस लेन में जो है वो कार चलेगी, वो वाली कार इस लेन में आ गई तो यहाँ पर स्पीड फिर से स्लो हो गई है। तो मैं ट्राई करता हूँ दूसरी लेन में जाने का, जहाँ पर फास्ट लेन में अपन चलते हैं जिधर से कोई नहीं आ रहा है, तो यहाँ एक बार टेस्ट कर लिया जाए इसको कि क्या स्पीड यहाँ पर बढ़ पाती है या नहीं। आगे की कार अगर फास्ट चलेगी तो ही ये स्पीड बढ़ाती है, अदरवाइज़ नहीं बढ़ेगी। अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का यही सिस्टम होता है। और ये अभी आ रहा है टर्न, तो यहाँ पर भी देख लेना, मैंने स्टेयरिंग को हाथ नहीं लगाया हुआ है और वो कार हटी तो जैसे ही ऑटोमेटिकली स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होने लग गई है, ये खुद से कार जो है वो टर्न कर रही है। तो ये रियल लाइफ डेमो है कि लेन कीप असिस्ट, अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वगैरह जो है ये सारे फीचर्स कैसे काम करते हैं और ये कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपकी लाइफ को लेके, आपकी सेफ्टी सिस्टम को लेके। तो कभी भी अगर इस टाइप की कार आप चला रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि आपका पूरा ध्यान ही हट जाए, ये कुछ सेकेंड तक आपको सेव करके रखेगी। जो माइनर अपनी गलतियाँ हो जाती हैं जब हमें अपना ध्यान ही नहीं होता है, सपोज़ अब मैंने यहाँ ध्यान दे दिया, इधर से किसी से पानी मांग लिया, पीछे से कुछ लेने में ध्यान दे दिया, वहाँ पर जब स्टेयरिंग से ध्यान हटता है तो ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, वाले जो बोलते हैं ना कि ये जो लाइन है, ये सीन इस कार के अंदर नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पर ये कार जो है वो मैनेज कर जाती है। अभी अगेन मैंने लेन चेंज करी तो ये कार खुद से स्पीड बढ़ाएगी, ये देखो स्टीयरिंग मैनेज कर रही है, दैट्स ऑल। तो आई होप आप लोगों को सभी चीजें समझ में आ गई होगी, ये पूरा टर्न जो है वो कार खुद से लेगी, मुझे कुछ नहीं करना है, लेट्स सी। ये देखो खुद से स्टीयरिंग टर्न है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, अच्छी तरीके से आप लोगों को देख रहा होगा। और कार जो है अपने लेन में चलते चलते और वापस से स्ट्रेट जो है वो खुद से चलने लग गई है, स्टीयरिंग जो है वो सीधी हो गई है, अब स्पीड बढ़ी है और वापस से स्टीयरिंग की जो लाइक मैंने हाथ हटा रखा है, स्पीड कम भी हो जाएगी। ये देखो स्पीड कम हो गई क्योंकि सामने वाली कार ने स्पीड कम करी है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है, समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। और भी कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, अभी कमेंट कर दो। आगे बहुत सारी वीडियोस XUV700 के ऊपर आने वाली है, नाइट ड्राइव रिव्यू आने वाला है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर पर्टिकुलर आपको कोई चीज़ जाननी है ऐसी जो आप लोगों का लाइक क्यूरोसिटी हो XUV700 से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो ताकि उसके ऊपर पर्टिकुलर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो जो है वो बना दूँ। एडास को एक्सप्लेन करने के लिए एक डिटेल वीडियो आएगी, उसमें भी आप क्या कुछ चीज़ें देखना चाहते हो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हो कनेक्ट हो जाओ, फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हो, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर कई सारी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को स्टोरी वगैरह में, रील्स वगैरह में मिलती रहेगी। बाय बाय, ड्राइव सेफ।